बंगाल बीजेपी और टीएमसी में सियासी जंग जारी है। इसी बीच टाइगर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की सियासत में एंट्री की खबरें आ रही। रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सौरव गांगुली के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात ने एक बार फिर सौरव गांगुली की सियासी एंट्री की खबरों को हवा दे दी है। सौरव गांगुली रविवार को शाम करीब 4:40 पर राजभवन पहुंचे। गांगुली और धनखड़ के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। फिलहाल सूत्रों की माने तो गांगुली और राज्यपाल की मुलाकात सियासी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान यह दावा भी किया कि बंगाल का ही कोई चेहरा बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री होगा। आज कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश चले गए। आज कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है। दिल्ली के 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय पर स्थापना दिवस की तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश चले गए। अब पार्टी में इस बात की चर्चा तेज है कि आज स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में झंडा कौन फहराएगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आजकल बीमार चल रही हैं और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेती। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी ली, ट्वीट कर लिखा, भारत से राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है और अब वो इटली वापस चले गए हैं। उधर किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंह को बॉर्डर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार नए कानूनों से किसानों से खेती छीनना चाहती है। जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, MSP की गारंटी दे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। अब ये तीनों कानून लेके आए हैं, इन तीनों कानूनों के जरिए अभी इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार को किसानों के साथ बहस करने की चुनौती भी दी। एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में एक तरफा क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी ने यहाँ पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम फहरा दिया है। जिला परिषद सदस्य की 242 सीटों में से बीजेपी ने 185 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस महज 11 सीटें हासिल कर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। तीसरे स्थान पर जेडीयू रही जिसने 9 सीटें हासिल की। वहीं एनसीपी को महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी के नेता किरण रिजिजू ने इस जीत को मोदी लहर करार देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत बताती है कि बीजेपी के प्रति लोगों का समर्थन लगातार बना हुआ है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।